बादली में आशा वर्करों ने कहा, सरकार जल्द माने उनकी मांगें वरना विरोध रहेगा जारी। बादली सीएचसी में कार्यरत आशा वर्करों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द माने। आशा वर्कर कोई भी गलत और नाजायज़ मांगे नहीं कर रही हैं, उनका हक है, वे अपना हक मांग रही हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वह भी किसी की बहन किसी की बेटियां हैं, उन्हें भी उनका हक दिया जाए। आशा वर्कर रीता अनिल सुदेश सुमन बीरमती व अन्य ने कहा कि उनका पिछले 16 दिनों से झज्जर में धरना और प्रदर्शन चल रहा है। बादली सीएचसी की आशा वर्करों के धरने को पूर्ण समर्थन है, वह धरने पर हर रोज़ पहुंचकर वहां अपना समर्थन दे रही हैं। आशा वर्कर रीता ने कहा कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, आने वाले चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं, इसके अलावा उनकी कुछ छोटी छोटी अन्य मांगे हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और सरकार को पूरा करना भी चाहिए। उनका धरना और प्रदर्शन समाप्त कराना चाहिए ताकि सभी आशा वर्करें राखी का पावन पर्व अपने परिवारजनों के साथ धूमधाम से मना सकें। उन्होंने कहा कि तीज का पर्व उनका धरने पर ही बीत गया है, उन्हें उम्मीद है कि सरकार रक्षाबंधन से पूर्व उनकी मांगों पर गौर करेगी, उनकी मांगों को पूरा करते हुए उनके धरने को समाप्त कराने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे जल्द ही विधानसभा घेराव सहित अपनी अन्य नीतियों पर काम करते हुए आंदोलन को तेज करेंगी। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, उनका धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा।